ये देखो हल्की हल्की पिंक बूटी आने वाली है, आ रही है वैसे तो। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। आज एक और रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, ध्यान से पूरी वीडियो को देखना। जो प्रॉब्लम हमारे को आती है वो आपको ना आए, इस चैनल का जो मेन मोटिव है वो यही है। आई होप काफ़ी लोगों ने मेरे चैनल से बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी। जो प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर आनी है उसका सलूशन या उस प्रॉब्लम को डिस्कस करना मेरा फ़र्ज है, ताकि आप लोगों को यहाँ पर कोई दिक्कत ना आए। देखो भाई, ऐसा होता है कि एक जाना ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो या उस कंट्री में बैठा हो जो आपको राइट इन्फॉर्मेशन दे, तो आपको यहाँ पर आके ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कहीं और आ चुका हूँ। मेरे कई सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं कि सर हमने तो एडिलेड पहले से ही घूम लिया था, हमारे को हर एक चीज़ के बारे में पता चल चुका था कि एक जगह से दूसरी जगह क्या जाना है, रेंट क्या है, कौन कौन सी जगह है। सिर्फ आपको एक एक्सपीरियंस करना था यहाँ पर आके, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो आज का जो मुद्दा है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत बेनिफिट होगा। यहाँ पर आकर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं भी आ सकती है, या आपका काम लेट हो सकता है। कैसे, मुद्दे को शुरू करते हैं। देखो जी, ऐसा होता है कि जब आप अपना कोई आईडी प्रूफ लेकर आते हो, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आपका पासपोर्ट। यहाँ पर कोई और डॉक्यूमेंट चलेगा नहीं। तो अपने पासपोर्ट के ऊपर ऐसी कोई गलती ना करना, ताकि यहाँ पर आकर आपको भुगतना पड़े। बारिश आ रही है, थोड़ा सा अंदर चलते हैं, एकदम से तेज हो गई है, कल रात से लगी हुई थी बारिश। एडिलेड का मौसम चेक कर लीजिए, अभी बारिश आना शुरू हो गया, कल रात से बारिश आ रही है, इतनी ज़्यादा हवा चल रही है ना, बता नहीं सकता हूँ। अभी देखो थोड़ी देर पहले धूप निकली हुई थी, यकीन मानो मेरे को ना कॉल आ गई तो मैं वीडियो बना नहीं पाया। गड़े भी पड़े हैं यहाँ पे, छोटे छोटे, लेकिन ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे। ये देखो बारिश आई और धूप में, धूप भी साथ में आ गई। ये है एडिलेड का मौसम महाराज, पकोड़े बनाओ। इस मौसम में तो भाई साहब दिल नहीं करता बंदे का काम पे जाने के। ये देखो छोटी छोटी नदियाँ, पानी देखो कितना बारिश पड़ गई होगी एकदम से। यकीन मानो 5 या 10 मिनट मेरे को कॉल आई है, इतनी बारिश आई ना, इतनी ज़्यादा मैं बता नहीं सकता हूँ। वीडियो बनाना मेरा मिस हो गया, मेरे को ज़रूरी कॉल आ गई थी। चलो अंदर चलते हैं, कहीं हमारे को भी ठंडा ना लग जाए यार, आगे से ही गला ख़राब हुआ पड़ा है। एक बात ये भी है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो ना और ऊपर से आपका गला वगैरह ख़राब है, तो वो नॉर्मल समझते हैं, कहते कोई बात नहीं यार, आप हो जाओगे ठीक, कोई दवाई वगैरह देते नहीं है। हम उसको धक्के से भी कहते हैं ना कि दे दे, नहीं देंगे, कहते कि भाई इसी से हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं। तो 6-7 दिन हो गए हैं, खांसी आ रही है, लेकिन मुझे पता है डॉक्टर ने दवाई देनी नहीं, इसलिए मैं डॉक्टर के पास गया ही नहीं। आगे से काफ़ी बेहतर है मेरी सेहत। जब शुरुआत हुई थी एकदम से, पता हुआ क्या था, गर्मी हो गई थी बिल्कुल, और मैंने कपड़े उतार दिए, आधी बाजू के डाल ली कमीज और बाहर चले गए हम। महाराज बंदा पकड़ा गया, 1 हफ्ता हो गया छाती के ऊपर वो लग गई ठंड, और बस फिर दवाई खा रहे हैं, और आगे से काफ़ी बेहतर है। मेरी पिछली वीडियो देखोगे ना आपको पता लग जाएगा मेरी आवाज़ कैसे आ रही है, ठीक है। तो भाई ऐसा है, जो मेन बात मैंने ये करनी थी कि जिनके पासपोर्ट पे सरनेम नहीं है ना, यहाँ पर आकर उनको दिक्कत आएगी। मेरे वाइफ के पासपोर्ट पे सरनेम नहीं है, फर्स्ट नेम नहीं, फर्स्ट नेम पे ही पूरा नाम लिखा हुआ है, सरनेम भी बीच में इंक्लूड किया हुआ है उसके। और जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ज़्यादातर यहाँ पर लोग पूछते हैं, डॉक्टर पूछते हैं, किसी के पास जाते हो कि आपका सरनेम क्या है, सरनेम को यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, सरनेम के जरिए ही ढूंढते हैं, डेट ऑफ बर्थ और सरनेम, ये दो चीज़ें वो पूछते हैं अक्सर जब भी आप किसी के पास जाते हो। हम डॉक्टर्स के भी पास गए हैं, वो मांगते हैं आपकी आईडी। अब आईडी जो आपकी बनी है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो तो आपका पासपोर्ट को देखते हुए बनेगा,
और अगर आपका यहाँ पर प्रोविजन क्या होती है कि अगर आपका कई ऐसे फॉर्म्स भी होते हैं कि बिना सरनेम के आगे नहीं बढ़ते, तो उसके के अंदर कई फॉर्म्स के अंदर आप अपने सरनेम जो आपका फर्स्ट नेम के अंदर लिखा है उसी को सरनेम मान लेते हो और कई जगह के ऊपर वो डॉट डाल लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, देखो कि मेरे वाइफ के ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर अमनदीप कौर लिखा हुआ है लेकिन सरनेम की जगह पर डॉट डाली हुई है, और जब हम कहीं गए कुछ चेक करवाने के लिए, पता नहीं कहां पर गए, तो उसने सर्च किया ड्राइविंग लाइसेंस के अकॉर्डिंग, उसने कहा था कि भाई तुम्हारी तो आइडेंटिटी मिल ही नहीं रही है, हमारे को तो सरनेम ही नहीं मिल रहा है। ऐसा तब भी हुआ था जब हरविन मेरी वाइफ जाती थी चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास, जब हरविन होनी थी तो उस टाइम के ऊपर भी वो सरनेम सर्च करते थे लेकिन आता कुछ नहीं था। अब डॉक्टर भी अलग अलग होते हैं, कोई मिडवाइफ होती है, कोई डॉक्टर होता है, कहीं वहां पर चेक करवाना होता है, फिर हमारे को वहां पर फोन करके पूछना पड़ा कि भाई इसका सरनेम के अंदर आपने क्या लिखा है। तो कई बार तो वो डॉट डाली होती है और कई बार वो उसने नाम अपना लिखा होता है, तो ये मुद्दा ना बहुत ही भयंकर है। काम तो आपका कोई रुकेगा नहीं लेकिन यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा। और अगर आपने लोन वगैरह लेना है, जैसे कि इन फ्यूचर में आप भी लोन लोगे घर लेने के लिए या कोई भी ज्वाइंट अकाउंट खुलवाओगे, तो उस केस में क्या होता है कि कई बार तो आपकी आईडी वेरिफिकेशन ही नहीं होती है, ठीक है। तो कई बार आप भी ऐसा करते हो, आपको पता है कि आपका सरनेम ये है पर वो एक्चुअली में पासपोर्ट के अंदर तो फर्स्ट नेम के अंदर ही लिखा हुआ है ना, तो उससे आईडी मैच नहीं होती है। कोई बड़ी बात नहीं है, इस वीडियो के जरिए जस्ट आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको हर एक चीज के लिए रेडी रहना चाहिए। अगर चेंज करवाना चाहते हो तो पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट वगैरह उस हिसाब से चेंज करवाओ, नहीं तो यहां पर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। काम नहीं रुकेंगे लेकिन दिक्कत आ सकती है। तो ये था आपको बताने के लिए, एंड कोई और डाउट है, कोई क्वेश्चन है, नीचे कॉमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।